राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना के इंदौर जिला अध्यक्ष ऋषि राज सिंह सिसोदिया को बेटमा पुलिस ने गिरफ्तार कर छोड़ दिया। यह गिरफ्तारी इंदौर अहमदाबाद नेशनल हाईवे बेटमा के समीप मेठवाड़ा टोल प्लाजा पर की गई थी। गौरतलब है कि कर्णी सेना के द्वारा विगत 15 दिनों से टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर की परिधि में आने वाले ग्रामीणों को टोल टैक्स फ्री करने की मांग की जा रही है, जिसके चलते टोल नाके पर आए दिन विवाद होते रहते हैं। इसी के चलते मेठवाड़ा टोल टैक्स के मैनेजर द्वारा बेटमा थाने पर प्रकरण दर्ज करवाया गया। वहीं जब आज ऋषि राज सिंह इंदौर से धार किसी कार्यक्रम में जा रहे थे, उसी दौरान टोल प्लाजा से बेटमा पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर बेटमा थाने पर लाया गया और बातचीत कर छोड़ दिया गया। वहीं गिरफ्तारी को लेकर राजपूत कर्णी सेना के युवाओं में आक्रोश भी दिखाई दिया और बड़ी संख्या में टोल टैक्स का घेराव कर नारे लगाए और टोल मैनेजर के द्वारा जो ऋषि राज सिंह और उनके साथियों पर झूठी कार्यवाही करवाई गई है, उसको लेकर टोल पर धरना प्रदर्शन किया। बेटमा से संवाददाता की रिपोर्ट। प्रशासनिक अधिकारियों ने वादा किया है कि 11 तारीख के दिन जो टोल के मैनेजमेंट है और जो ऑनर है उनको बुलाया जाएगा और हमारी मांगों को उनके सम्मुख रखा जाएगा। और वो उन्होंने आश्वस्त विश्वास दिलवाया हम लोगों को कि 11 तारीख के दिन जो 20 किलोमीटर की हमने मांग की है, जो भी टोल नियम अंतर्गत आएगा वो उसको किया जाएगा और 20 किलोमीटर की मांग मानी जाएगी। अगर MPRTC ने हमारी ये बात नहीं मानी है तो मैं मीडिया के माध्यम से स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ये टोल तोड़ दिया जाएगा। फिर इस टोल कहीं हर व्यक्ति के लिए फ्री रहेगा, फिर जिसको जो करना हो कर ले, लेकिन हम कहीं भी किसी भी किसान के ऊपर अत्याचार सहन नहीं करेंगे, आम आदमी के ऊपर अत्याचार सहन नहीं करेंगे। आज 130 रुपये का टोल है, 10-20 रुपये का टोल होता तो एक बार सोचा जाता, लेकिन कर्णी सेना कभी भी किसी व्यक्ति के ऊपर अत्याचार सहन नहीं करेगी। टोल हमारी मांग नहीं मानता है। जिन लोगों की ज़मीन गई है उनको अगर ये नौकरी नहीं देते हैं और ये लाइट वाला जो सिस्टम इनका ये बंद नहीं करते हैं तो इस टोल को तोड़ दिया जाएगा। फिर जो प्रशासनिक अधिकारी SDM साहब को बोल दिया गया, SDM साहब के संज्ञान में डाल दिया है। उन्होंने कहा है कि जो भी आपके खिलाफ कार्रवाई की गई है उसकी हम जाँच कराएंगे और अगर जो अधिकारी उसमें दोषी पाया गया उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आपका नाम और पद बता दीजिए। ऋषिराज सिंह सिसोदिया, जिलाध्यक्ष राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना इंदौर। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।